नमस्कार, मैं कुसुम बाजवान आज आपको ले चलूंगी पानीपत की युद्ध भूमि में। भारत के इतिहास में अनेक युद्धों का वर्णन मिलता है, मगर पानीपत के युद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो पानीपत की भूमि पर अनेक युद्ध लड़े गए थे, मगर उनमें से तीन युद्ध अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 1761 का युद्ध क्यों हुआ था और किस राज्य के सिर पर जीत का ताज सजा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी और मराठों के बीच दिल्ली की गद्दी पर कब्जे के लिए लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली इससे पहले भी हिंदुस्तान पर हमले कर चुका था, लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसी फौज से था जो अपनी अद्भुत वीरता, अदम्य साहस और कुशल रणनीति के लिए जानी जाती थी। 18वीं सदी के जिस काल में घटनाएं हुई, तब तक मुगल शासन सिमट कर लाल किले तक रह गया था। ये वो समय था जब मुगल काल अपने सबसे काले दिनों का सामना कर रहा था। यह उन बहुत ही कम युद्धों में से एक था जिसे भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया। आज की वीडियो में हम इस युद्ध के घटनाक्रमों को बड़ी बारीकी से जानने वाले हैं। इतिहास में हरियाणा का पानीपत एक युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहां पर पहले ही दो युद्ध लड़े जा चुके थे, इसलिए शासकों की ये प्रिय रणभूमि थी। वर्तमान में इनकी स्मृतियां ही पानीपत की पहचान है। यहां लड़े गए तीन युद्ध भारतीय राजनीति और शासन तंत्र में अविश्वसनीय बदलाव का कारण बने। इनमें से पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के सैन्य इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में लाखों मराठे खेत रहे। वे मराठे जिनका उस काल में पूरे भारत में खौफ था और छोटा बड़ा हर शासक उस समय उनसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं रखता था, और ऐसी सेना के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरा। पानीपत का तीसरा युद्ध दरअसल 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठों और अफगानों के बीच चल रहे युद्धों की श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक युद्ध था। इन दोनों ही दलों के बीच काफी समय से संघर्ष चल रहा था। 10 जनवरी 1760 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति दत्ताजी की हत्या कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मराठों की यह हार ही इस युद्ध का कारण बनी। इस हार का समाचार सुनकर पेशवा बाजीराव ने अब्दाली की शक्ति नष्ट करने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। इसी सेना ने 2 अगस्त 1760 को दिल्ली अब्दाली के कब्जे से आजाद करा लिया। अब्दाली इस हार से तिलमिला उठा, लेकिन वह यमुना पार करने में सक्षम न था, इसलिए हार स्वीकार करने के लिए विवश हो गया। हालांकि यह विजय मराठों के लिए शुभ साबित नहीं हुई। जीत के तुरंत बाद भरतपुर के राजा सूरजमल ने मराठों का साथ छोड़ दिया। अवध का नवाब सुजाउद्दौला 18 जुलाई 1760 को ही अब्दाली से जा मिला था। दिल्ली फतेह करने के 2.5 महीने बाद तक मराठे वहां से निकल नहीं पाए। वहां धन और खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई। धनाभाव के कारण दिल्ली में ठहरना संभव नहीं था, इसलिए वे कंजपुरा की चौकी की ओर बढ़े और 17 अक्टूबर को यहां अधिकार कर लिया। दिल्ली के बाद कुंजपुरा के हाथ से निकल जाने से अब्दाली उत्तेजित हो उठा। मुगल साम्राज्य प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन मुगलिया सल्तनत ने भी कुंजपुरा पर दोबारा हमला किया और इसे जीतने में सफल रहे। पानीपत और उसके आसपास के इलाकों में उस दौर में भयंकर अकाल पड़ा। ये शासकों के लिए गरीबी में आटा गेला था। मराठे भयानक भूख और धन की कमी से परेशान हो उठे। बदतर होते हालात के बीच उन्होंने अब्दाली से बातचीत की पहल की, लेकिन रुहेला सरदार नजीब के कारण वार्ता असफल रही। अंततः मराठों को 14 जनवरी 1761 का पानीपत का युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में मराठों की कुल सेना 45,000 थी और अब्दाली के पास 65,000 सैनिक थे। मराठे अश्वसेना और तोपखानों की दृष्टि से बेहतर थे, जबकि अब्दाली की पैदल सेना बेहतर थी। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध 14 जनवरी 1761 को सुबह 9 बजे से शाम
चार बजे तक चला। इसमें दो बजे तक मराठों का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि इब्राहिम खान गार्दी के तोपखाने ने शत्रु शिविर में तहलका मचा दिया था। उसी समय पेशवा के पुत्र विश्वास राव को गोली लग गई, वह मौके पर ही शहीद हो गए। विश्वास राव को मरते देख भाऊ पागल हो उठे और जैसा कि अधिकतर युद्ध में हुआ, भावनाओं के कब्जे में आकर एक अच्छा शासक अपनी बुद्धिमता खो देता है। मुगलों के लिए मानो जैसे किसी मृत व्यक्ति को अमृत की तरह मिल गया। भाऊ तत्काल हाथी से उतरे और घोड़े पर बैठकर अब्दाले की सेना में घुस गए, जो कि एक बहुत बड़ी गलती कही जाएगी। ऐसी स्थिति में उन्हें शहीद ही होना था और वही हुआ। मराठा सेना में इस घटना से भगदड़ मच गई और वह हार गई। पेशवा को हार और अपने भाई व पुत्र की मृत्यु का समाचार एक पत्र के द्वारा प्राप्त हुआ। इस अत्यंत दुखद समाचार को पत्र में भी बड़े सहज भाव से प्रकट किया गया। पत्र में लिखा था, दो मोती नष्ट हो गए और 87 स्वर्ण मोहरे खो दी गई और चांदी तांबे की तो गणना ही नहीं। इस युद्ध में भाव सहित 28,000 मराठे शहीद हो गए थे, शेष बंदी बना लिए गए जिन्हें बाद में मार डाला गया। युद्ध को सुनकर आंखों में आंसू आ रहे हैं और दिल मान लो इस स्थिति की कल्पना करके ही छलनी हुआ जा रहा है। अनंत दुख का एहसास है। युद्ध नहीं, एक काले दिन की कहानी है, एक काले दिन का इतिहास है।